देशभर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम गया पहुंची और जेल में बंद आरोपी शिवनंदन के घर पर परिवार वालों से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई है। पेपर लीक मामले में जेल में बंद आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी। कुछ ही घंटे के बाद सीबीआई की टीम वापस चली गई। शिवनंदन कुमार पर 40 लाख रुपए लेकर नीट एग्जाम में सफल होने के लिए माफियाओं के साथ मिलकर काम करने के आरोप है। सीबीआई की टीम ने आज बिहार से दो गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि गया से एक और नालंदा से दूसरी गिरफ्तारी हुई है। पटना के सीबीआई कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई के सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की टीम ने इस पूरे मामले में और कार्रवाई की है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार जो दो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी गिरफ्तारी नालंदा और गया जिले से की गई है। एक जो अभ्यर्थी है वो पकड़ा गया है जबकि दूसरा आरोपी जो है वो अभ्यर्थी का पिता बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो क्लू मिले हैं, दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम हजारीबाग गैंग के अलावा कई और लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और इनसे जो क्लू मिल रहे हैं उस आधार पर सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के तहत दो आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। तो जो नंबर ऑफ अरेस्टिंग है वो भी बढ़ रहा है और जो बाकी के जो आरोपी जिन्हें रिमांड पर सीबीआई की टीम लेकर पूछताछ कर रही है उनसे कई क्लू मिले हैं और उस आधार पर, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ी चुनौती मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी है, रॉकी की गिरफ्तारी है और सीबीआई उन तक पहुंचना चाहती है। बाकी के जो एक्यूज पकड़े गए हैं जिनसे जो इनपुट मिल रहा है उस आधार पर कार्रवाई चल रही है और देखना होगा ये जो चुनौती है उसको सीबीआई की टीम कब तक खत्म कर पाती है, यानी संजीव मुखिया और रॉकी कब तक सीबीआई के शिकंजे में आते हैं। लेकिन फिलहाल सीबीआई की टीम इस पर लगातार काम कर रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी सीबीआई की टीम लगातार कर रही है, पूछताछ चल रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में सीबीआई की टीम को आखिर कौन सी और सफलता मिलती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, सीबीआई ऑफिस पटना। और पूर्णिया के रूपौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव यहां पर लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। रूपौली विधानसभा में कुल 321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें से 120 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। अधिकांश मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मतदाता सुबह सुबह पहले मतदान फिर जलपान के नारे के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। पूर्णिया से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। आज रूपौली विधानसभा का उपचुनाव है और आप देख सकते हैं कि ये बूथ संख्या 147 है, मध्य विद्यालय ब्रह्मज्ञानी, और यहाँ पे सुबह 7 बजे से पहले से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुँच चुके हैं। महिलाएं भी हैं जो